हेलो दोस्तों, जुल्ले गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आजकल मैं होता हूँ घर में ही, तो फिर आजकल चल रहा है यहाँ पर घर का थोड़ा काम। तो फिर आज ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, क्यों बोले तो आज हमारे गांव का जो मंदिर है, जो मंदिर होता है वहाँ के लिए रोड निकाल रहे हैं। तो रोड निकालने के लिए पूरे जितने भी हमारे पंचायत वाले हैं, कॉलोनी के जितने भी इसमें 6-7 गांव हैं, तो सब लोग आते हैं। पिछले कल भी आया, पिछले कल पर मैं ब्लॉक कर नहीं पाया, तो आज फिर से जा रहे हैं हम कि नया रोड निकाल रहे हैं। तो दिन भर हमने वहीं पर काम करना है, तो देखते हैं कि कैसे रोड निकाल पाते, क्या क्या काम होता है। वैसे तो जेसीबी का हमने पीछे से फिलिंग करना है और थोड़ा बहुत काम होता है नहीं वो करना है, तो इसलिए बुलाया गया है। अभी टाइम 8:08 बज चुके हैं, तो अभी सब जा रहे हैं, तो मैं भी रेडी हो गया। देखो हम पिछले कल भी गया था, पर वहाँ पर क्या होता है मिट्टी के बीच में जल्दी कपड़ा ख़राब हो जाता है। पिछले कल तो और चप्पल में गया था मैं, मेरा इतना बुरा हाल हो गया था। तो मैंने सोचा आज थोड़ा अच्छा जैसा मतलब शूज़ पहन के जाते हैं, क्योंकि पत्थर है, इतने बड़े बड़े मिट्टी है। पिछले कल भी थोड़ा जैसे पत्थर टांग में लग गया था, टांग कट गया था थोड़ा सा उंगली तब करके। तो है, पूरे गांव वाले जा रहे हैं, अभी देखते हैं। अभी भाई है मेरे साथ एक, हम दोनों साथ जा रहे हैं, तो हम दोनों अभी जाएंगे, बाकी सब तो आस्ते आस्ते चल पड़े हैं। तो मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ कि वो कब आएंगे। हम दोनों बाइक में जाएंगे, गाड़ी में बाकी जो है दूसरे सब अपने अपने गाड़ी में जा रहे हैं। तो फिर चलो देखते हैं, अभी तो और सीज़न भी। और ये है मेरा छोटा सा पोटली, इसके अंदर ले गया हूँ मैं लंच, क्योंकि लंच लाने को बोला है तो लंच तो ले जाना पड़ना। तो लंच मैंने डाल दिया है। पापा ने ऑमलेट और रोटी बनाया, बाकी तो कुछ बनाने को था ही नहीं। तो अब इसके अंदर मैं डालता हूँ थोड़ा सा चॉकलेट टॉफी, क्योंकि बीच बीच में कभी ज़रूरत पड़ जाता है ना, भूख लग जाता है हल्का हल्का, इसलिए मैंने ये चॉकलेट लिया एक, और 2-3 टॉफीज़ हैं, इनको डालता हूँ आगे, ये काम आता है बाद में। ओके डन। देखो हमारे भाई आ गए। हेलो गाइस, तशी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने चैनल के, ये भाई बता दूं बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा डांस करते हैं। अपना इंस्टा आईडी बता दूं मैं, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ना, फिर भी बता। इंस्टा आईडी है डियर डांसर, अगर चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं उनको। और जितने भी लोगों ने टशी भाई को फॉलो किया, अनफॉलो कर दे अभी क्या। चलो ठीक है, जाता हूँ मैं, लेट हो रहा हूँ। अंदर क्या चार्जिंग करना है आपने? तो देखो हमारे भाई पहुंच चुके हैं। गुड मॉर्निंग यार। देखो सब कुछ हथियार लाक्षिप सब कुछ, मैं तो कुछ नहीं लाया, अब चलना पड़ेगा। रुको भाई मेरे, नहीं नहीं यार, नहीं नहीं आते लो ब्लॉक शूट के। तो ये हाईवे, तो हाईवे से यहाँ से पिछले कल शुरू किया था, यहाँ से ले जा रहे ऊपर। तो फिर देखो रास्ता पिछले कल ही नया निकाला है, भी कैसा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है ऐसे रास्ता उबड़ खाबड़ है, इनको फिलिंग करना है आज। तो पूरे गांव वाले यहाँ से कम 1100-1200 मीटर तक तो हो चुका था कंप्लीट, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है ऐसे ऐसे करके। देखो अब सब पहुँच भी रहे हैं, यहाँ पर सब पहुँच भी गए। फाइनली सब पहुंच गए हैं इधर।
तो काम तो चला है अभी, तो मैं यहाँ पर देखने आया था ऊपर तक, क्योंकि पहले रोड तो बन चुका था, ये देख रहे हो, ये रोड बना हुआ था, पहले बनाया था आज से 10-15 साल पहले। देखो यहाँ से पाथ तो बना है, रास्ता तो बना है पूरा, बट क्या हुआ कि पूरा निकाल नहीं पाए थे क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। ऊपर से देख रहे हो ये पहाड़ भी, पत्थर भी गिरते जा रहे हैं, कितने पत्थर गिर रहे हैं, तो फिर से निकाल रहे ये रास्ता। अभी दूसरे लोग तो नीचे पहुँचे, नीचे से क्लीन करते करते आ रहे हैं, और जिससे भी आगे लग रहा है, देखो कितने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं यार, यहाँ तो बहुत टाइम लगना। ओह मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कम ही होगा, देखो पूरा पत्थर ही गिरा है ऊपर से। तो ये पूरा अभी रोड निकालेंगे, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे। ये अभी जिसे भी नीचे पहुँचा है, तो नीचे से यहाँ से मोड़ काट के फिर यहाँ से ये वाला रास्ता आके यहाँ आगे जाके, आगे से फिर ऊपर से होके फिर ऊपर निकलेंगे, वो हमारा ऊपर कुंपा। तब करके अभी जिसे भी काम पे नीचे लगा है, अब मेरे को लग रहा है यहाँ पर तो बहुत टाइम लगना, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं यहाँ पे, जिसकी भी है यहाँ तो यार। ओ यहाँ देखो, यहाँ तो रोड का नामो निशान ही नहीं रहा, वहाँ तक तो है दिख रहा ना आप सबको। अभी जिससे भी लगा काम पे, क्योंकि यहाँ पर 10-15 साल पहले बोलो, अब 10-15 साल पहले बनाया गया था रोड, निकाला गया था, तो उसके बाद काम बंद कर दिया, थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से काम बंद कर दिया। तो इसी साल फिर से 2023 में फिर से शुरू किया बनना, तब करके अब फिर से बन रहा है। तो लगभग इस रोड को बनने में लग तो जाना 4-5-6-7 दिन। ये यहाँ पर गिरा है मोटा ही तगड़ा वाला पत्थर, क्योंकि ऊपर से पत्थर ये भी कच्चा है, ये भी गिरते रहता है हमेशा। अब पता नहीं रोड बनने के बाद तो अच्छा गिरेगा। मैं आपको जेसीबी का काम दिखाता हूँ। ओह यहाँ तो बहुत टाइम लगने को है। और एक है, और देख रहे हो आप यहाँ पर कितने सारे पेड़ है, पेड़ ये बड़े मुश्किल से होते हैं, इसे कहते हैं जूनिफर। हम इसको शुद्ध करने के लिए, मतलब एज जैसे हम धूप बत्ती जलाते हैं उसी की तरह यूज़ करते हैं, तो हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, क्योंकि इसका लाइफ बहुत, ये इसको बड़े होने में कम से कम 100-200 साल लगते हैं, एक पेड़ को बड़े होने में 200-300 साल तो लग जाते हैं। तो ये बहुत पुराने पेड़ है, क्योंकि ये यहीं पर ही उगता है सिर्फ, बाकी कहीं पर भी नहीं है। और देखो ये बैठे हैं हमारे बॉयज़ लोग, अभी रेस्ट कर रहे शायद से, बॉयज़ लोग आगे हैं और जो गर्ल्स टीम है वो पीछे से थोड़ा प्लेन करते करते इधर को आ रहे हैं। अभी देखते हैं मैं आगे तो ये है मोड़ा, मतलब वहाँ से आके यहाँ से मोड़ के फिर यहाँ से जाएगा परे को, ऊपर को। पर देखो यहाँ पर कैसा है, इतने सारे पत्थर गिरे। अगर पहले बना दिया होता तो इतना अच्छा हो जाना था यहाँ पे, पहले अगर बना दिया होता तो। अब जिसे भी वहाँ पर काम पे लगा है, तो ऐसा है कि अब हमारे को काम करते करते तो बहुत टाइम लग जाना। पिछले कल की हमने थोड़ा जैसा काम, मतलब पिछले कल तो हमने 12 बजे शुरू किया था, क्योंकि जेसीबी का काम है ज़्यादातर, फिर पीछे से तो लोगों का काम तो कम शम ही है, इसलिए अब जेसीबी आ रहा है आगे से जल्दी, होप आज तो यहाँ ऊपर मोड़े तक तो पहुँच जाए, क्योंकि ऊपर मोड़े में बहुत टाइम लगने वाला है, वहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं इसलिए। बाकी तो ये वाला लाइन तो ईजिली क्लियर हो जाएगा, टाइम लग जाएगा अगर पहले हमारे को रोड बन जाता, बनाने दे दिया होता, तब शायद से इस टाइम तक ये रोड थ्रू हो जाना था। मतलब फिर ऐसा होता है कि एक बार रोड बन जाएगी ना, फिर प्रॉब्लम नहीं होता, टेंशन नहीं होता कि अगर थोड़ा सा पत्थर भी गिरे तो उसको हटाते रहते हैं, क्योंकि चलने वाले तो ऑलरेडी होते हैं इसलिए। चलो लेट्स सी, देखते हैं अब
कितने आज कहाँ तक पहुँचेगा। पिछले कल लगभग 1100-1200 मीटर तक ये क्लियर किया था सिर्फ, क्योंकि 12 बजे से 7 बजे तक काम किया तो इतना ही हो पाना। आज तो थोड़ा जल्दी जैसे काम शुरू किया 10:00 बजे, तो आज शायद से थोड़ा ज़्यादा हो जाए क्योंकि टाइम तो ऊपर मोड़े में लगने वाला है। बाकी पूरा जो पुराना रोड है वो पूरा ख़त्म हो चुका है बोले तो, बीच बीच में जहाँ पर सेफ्टी है, जहाँ पर पत्थर नहीं गिरते वो ठीक है, अदरवाइज जहाँ पर पत्थर गिरते हैं वो तो पूरा ख़त्म ही है। देखो ये पीछे डंगा है, डंगे सब गिरे हुए हैं, यहाँ तक ये डंगा तक लगाया था, डंगे सब गिरे हुए हैं। आप हमार को लाए खाने के लिए, यहाँ पे कुछ लाए हैं जी ना अमा जी ना। ओहो टॉफी 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 टॉफी, देखो अमन हमारे लिए टॉफी भी लाया है, अब हम टॉफी खाएंगे कुछ। चलो यहाँ देखो इन पास कुछ काम नहीं है तो ये लोग आगे आगे चलने लग गए हैं। अब हमारे को टॉफी दिया, टॉफी खाएंगे हम फिर इंजॉय करेंगे। आदमी आ रहे मैं तो अब हमारा लंच यहाँ पे होगा, तो सब आए यहीं पे लंच करने, तो हम तो बैठे हैं अभी बस। देखो खाना, भाई भी खाना लगा ही रहा है, खाना खाएंगे फिर हम। छुट्टी हो गया अब इतनी जल्दी, 7 बजे तक तो बैठना है अभी।